तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हो? बढ़िया हो? बस बढ़िया ही रहो। आज फिर एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और सुबह के 10 बज रहे हैं। धूप अभी तक निकली नहीं है, फॉग बहुत ज़्यादा हो रही है। बार मुंह से धुआं देखो कैसे निकल रहा है। ठंड भी दबा के हो रही है, क्योंकि मैंने अभी न्यूज़ में पढ़ा है कि आज दिल्ली में रिकॉर्ड टूटा है कि दिल्ली में 4 डिग्री टेम्परेचर आज गया है। मतलब दिसंबर में नहीं जाता, जनवरी में जाता है, तो आज 4 डिग्री जो 25 दिसंबर की रात को 4 डिग्री टेम्परेचर गया और ठंड बहुत ज़्यादा है दबा के। तो बस अब रेडी हो गए, अब रेडी होकर निकल रहे हैं सीधा नेशनल स्टेडियम, जहाँ पे आज वीर बाल दिवस का, छोटे साहिबजादों की शहीदी का जो बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारी इंडिया गवर्नमेंट है उसने मनाया जा रहा है, उसकी डिटेल में वो गाड़ी में देता हूँ। तो बस अब निकल रहा हूँ, लेट हो गया हूँ, 10:10 हो गए, 11 बजे की एंट्री है। तो ये हमारा VIP कार्ड आ गया है, तो बस अब जाके वहाँ पे दिखाते हैं आपको थोड़ा बहुत प्रोग्राम जो भी है जैसे भी है। तो टाइम हो गया अभी सुबह के 10:30 और फॉग देखो कितनी, और टेम्परेचर गाड़ी में इस टाइम पे 9 डिग्री दिखा रहा है। तो भाई साहब ठंड तो बहुत ज़्यादा है, ठंड का तो पूछो मत, जो रिकॉर्ड टूट रहा है, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। तो 70 साल में पहली बार छोटे साहिबजादों की शहादत जो मनाई जा रही है, वो भी राजपथ इंडिया गेट के ऊपर, वो भी पूरी हिस्ट्री में पहली बार जो एक परेड निकलेगी 26 जनवरी की परेड के बाद, तो आज तक कभी ये हुआ नहीं। बहुत ज़्यादा गर्व की बात है हमारे लिए कि 70 साल में किसी ने, चलो छोटे साहिबजादों को याद तो किया, बच्चों को स्कूल में जो कभी किसी को पढ़ाया ही नहीं गया आज तक कोई भी सब्जेक्ट में, मतलब कभी भी नहीं पढ़ाया गया कि 4 साहिबजादों की शहादत कैसे हुई थी, क्या हुआ था। हमें तो खाली मुगलों का ही पढ़ाया गया हुआ था। सरहंद का जो गवर्नर था जालिम था, बहुत बड़ा वजीर खान, जिसने छोटे साहिबजादों को, बाबा फतेह सिंह जी 5 साल के थे और बाबा जोरावर सिंह जी जो थे वो 9 साल के थे, जो दो छोटे बच्चों को दीवार में कैसे चिन्हवा के शहीद किया था कि उन्होंने अपना धर्म चेंज नहीं किया था, जो जबरदस्ती उनसे धर्म चेंज करवाना चाहता था उस टाइम पे। तो आज उनकी छोटे साहिबजादों की शहादत का दिन है, तो वो मनाने हम जा रहे हैं, जो भारत सरकार मना रही है बहुत बड़े लेवल पे, पहली बार वो भी इंडिया गेट पे, तो जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी आ रहे हैं, जो क्या भाषण देते हैं वहाँ पे आपको सुनाऊंगा मैं। तो बस वहाँ पर जा रहा हूँ, ठंड भी दबा के हो रही है इस टाइम पे, तो जितना मैक्सिमम मैं कवर कर पाऊंगा वो आपको कवर करके दिखाऊंगा। और एक चीज, मेरे कर एक सब्सक्राइबर है उधर मुजफ्फरनगर में, उनका नाम था निशांत त्यागी, तो उन्होंने मुझे कल इंस्टाग्राम पे मुझे फोटो भेजी अपने छोटे बच्चे की, मतलब 5 या 6 साल का बच्चा होगा, उसको उन्होंने सर पे पगड़ी बनाई और एक सेंटा का वो सेंटा की ड्रेस बना के उन्होंने मुझे फोटो भेजी कि कौन सा मेरा बेटा कह रहा है कि स्कूल में क्रिसमस डे पे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और वहाँ पे फैंसी ड्रेस शो है, तो पापा मैं छोटे साहिबजादों के रूप में जाऊंगा। उसने 4 साहिबजादे मूवी आपको देखी होगी, तो सनी जी आप बताओ कैसा लग रहा है? मैं कहा अच्छा लग रहा है, भेजो। तो वो बेचारा बच्चा वहाँ पे गया है स्कूल में और स्कूल वालों ने उसको पार्ट लेने को मना कर दिया फैंसी ड्रेस शो में, कि नहीं क्रिसमस का डे तो क्रिसमस के वो पहन के आएगा, और बच्चा वहाँ रोने लग गया कि नहीं आज के दिन छोटे साहिबजादों की शहीदी हुई थी, मैं छोटे साहिबजादों का रोल करूंगा। तो स्कूल वालों के ऊपर मतलब बहुत बुरा लग रहा है, जिन्होंने ऐसे बच्चों को मना किया कि बच्चे की एक भावना थी वो भावना को तोड़ा है, तो हम इस चीज़ को बिल्कुल मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं हाई लेवल में बात करूंगा इस चीज़ की, जहाँ तक बात करूँगी, एक तरफ गवर्नमेंट जो है इतने बड़े लेवल पर प्रोग्राम बना रही है और स्कूलों को नोटिफिकेशन भेज रही है कि तुमने ये दिन मनाना है और वहाँ स्कूल मना कर रहे हैं। तो मुजफ्फरनगर UP की घटना है, मेरे पास सारी डिटेल उन्होंने भेज दी है, तो जो गवर्नमेंट का गजट था मैंने भी उनको भेज दिया है, तो मैं इस लेवल में बात जरूर करूंगा इस चीज़ को, आज ये प्रोग्राम से फ्री हो जाए बस, क्योंकि बहुत गलत चीज़ है। तो निशान त्यागी जी चिंता मत करना, मैं बात जरूर करूंगा, इस चीज़ को आगे लेके जरूर आऊंगा। तो अपनी गाड़ी VIP पार्किंग में लगनी है, अब ये बच्चों आ गए हैं स्कूल की, अपनी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम पार्किंग में लगा के गाड़ी सीधा वेन्यू पे जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चे सारे अपनी प्रैक्टिस करने में लगे हैं, अभी जिनकी परेड है थोड़ी देर के बाद। भाई साहब जोरों पे चल रही है, हम आ गए हैं, पम्मा भाई मिल गया यहाँ पे, तो बस पापा को मैंने अंदर भेज दिया, मैं कहा अंदर जाओ बैठो अपना भाषण सुनो, हमको भाषण में इंटरेस्ट ज्यादा कोई होता नहीं, तो हम यहाँ खड़े होंगे, हम यहाँ पे परेड देखेंगे लास्ट में। क्यों जी? तो मोदी जी भी आने वाले हैं थोड़ी देर में, भाषण दूसरे जो है थोड़ा बहुत हमको सुनाई देगा, आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, और मेन जो नज़ारा है वो परेड का है, तो मैं उसकी वेट कर रहा हूँ, यहाँ से निकलेगी परेड, तो हम वो परेड का मैं कवर करके आपको पूरा दिखाऊंगा। बाकी रश इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, अगर आप हालत देखो तो भाई साहब पाँव रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो ये देखो हमारे छोटे छोटे सब्सक्राइबर्स है ना, केड़े स्कूल तो गुनाना पब्लिक स्कूल, तैयारी है पूरी, फिर मजे आ रहे हैं, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, कल देखना फोटो अपनी। हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी जी यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं अभी, सलूट है।
बाबा जोरावर सिंह जी अते बाबा फतेह सिंह राष्ट्रीय दिवस वीर बाल दिवस के रूप विच मनाया है। इसलिए असीं आप जी दा दिलों बहुत बहुत धन्यवाद करते हां। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। रावण सिंह और बाबा फतेह सिंह जी की लासानी शहादत को समर्पित है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 जनवरी 2022 को दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब का प्रकाश पर्व मनाते हुए ये ऐलान किया था कि गुरु साहिब के 7 और 9 साल के छोटे साहिबजादों जिन्हें जालिम मुगल हुकूमत ने जिंदा नींवों में चुनवा कर शहीद किया था, उन शूर वीरों की बहादुरी का गौरवमय इतिहास देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दिसंबर 1704 में जालिम मुगल सूबेदार वजीर खान द्वारा साहिबजादों और माता गुजरी को अत्यंत ठंड में ठंडे बुर्ज में कैद करके अनेकों तसीहे दिए गए। छोटे साहिबजादों का धर्म परिवर्तन करने के लिए उन्हें कचहरी में पेश किया गया। उन पर झूठे मुकदमे चलाए गए, मौत के डरावे और लालच दिए गए। लेकिन फिर भी जब साहिबजादों ने अपने धर्म में पक्के रहते हुए इस्लाम कबूल करने से साफ इनकार कर दिया तो सूबाए सरहिंद नवाब वजीर खान ने साहिबजादों को जिंदा नींवों में चुनवा कर शहीद कर दिया था। सरहिंद में स्थित गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब आज भी जालिम मुगल हुकूमत के अत्याचार और साहिबजादों की बहादुरी की गाथा बयां कर रहा है। आज देश पहला वीर बाल दिवस मना रहा है। जिस दिन को, जिस बलिदान को हम पीढ़ियों से याद करते आए हैं, आज एक राष्ट्र के रूप में उसे एकजुट नमन करने के लिए एक नई शुरुआत हुई है। शहीदी सप्ताह और ये वीर बाल दिवस हमारी सिख परंपरा के लिए भावों से भरा जरूर है। हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने श्रद्धा सरकार अर्पित करेंगे और इनको यहां से रवाना करेंगे आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में। ये अद्भुत एक प्रयास है और इस तरह का मार्च पास्ट बाल दिवस के अवसर पर आयोजित हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में भी इसका आयोजन, अलग अलग राज्यों में भी इसका आयोजन होगा। हमारे जो एम्बेसीज हैं भारत के बाहर अलग अलग देशों में, वहां भी इसका आयोजन किया जाएगा ताकि साहिबजादों के बलिदान और उनके शहादत के मूल्यों के साथ हम सब जुड़ सकें, जिसका उल्लेख और जिसके लिए प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन के माध्यम से हम सबको दी है। आइए हम श्रद्धा के भाव से नतमस्तक हो और अपने श्रद्धा अपने सत्कार को समर्पित करें साहिबजादों के बलिदान के प्रति, जिसका प्रदर्शन इस टैब्लू में किया गया है जो यहाँ से मुख्य मंच के सामने से ये टैब्लू जो आगे की तरफ बढ़ रहा है और उसके पीछे यहाँ इसमें शामिल हमारे मार्च पास में शामिल बैंड दल, सबसे आगे पंजाब रेजिमेंट का बैंड दल आर्मी बैंड, उसके बाद सिख रेजिमेंट का बैंडल जो उसके ठीक पीछे चल रहा है और संगीत की स्वर लहरियों के साथ साथ जिसमें भक्ति और श्रद्धा का भाव है और उस शहादत के प्रति नमन करने की एक अभिलाषा है जो हमारे साहिबजादों के बलिदान के रूप में हमने देखा है, पढ़ा है और उसको जाना है। ये एक बड़ा अद्भुत प्रयास है और ये मार्चपास यहाँ से आगे बढ़ता हुआ कर्तव्य पथ पर जाएगा और वहां इसका समापन होगा। लेकिन ये जो मूल्य है और जो इसके साथ सोच है, दृष्टि है, जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय की जो दृष्टि हम सबको हमारे अंदर एक नई चेतना का संचार कर रही है कि हम भारत में अपने ऐसे साहेबजादों के वीर बलिदान, उनके अद्वितीय बलिदान को जन जन तक पहुंचाएं, हमारी युवा पीढ़ी तक वह पहुंचे। इस समय हमारे एनसीसी के बालक बालिकाएं उनके टुकड़े यहाँ ठीक सामने मार्च पास्ट का हिस्सा होते हुए माध्यम से उनको मिली
श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज देवनगर का भी एनसीसी का ग्रुप हमारा इसमें शामिल है और वो भी ग्रुप जो है यहाँ पर शामिल होते हुए इस मार्च पास्ट में अपने भक्त अपनी श्रद्धा और अपने रूप में जो हमारी विरासत है दाती है हमारे पास धर्म की रक्षा के लिए आत्माभिमान की रक्षा के लिए और इस देश को प्रगति के शिखर तक लेकर जाने और मूल्यों की स्थापना के लिए उसमें हम सब राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ नेशन फर्स्ट का हमारा संकल्प हो उसके साथ हम इन्हीं मूल्यों को लेकर आगे बढ़े और इस मूल्यों के समाहित करने में ऐसे कार्यक्रमों और आयोजनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मैं बिल्कुल साबित है इसी चाहता हूँ कि इंडिया गेट में ऐसी परेड हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुई।
7 और 9 साल की उम्र में जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतनी महान शहादत दी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, आज उनकी शहादत को समर्पित होकर जब ये झांकी यहाँ से निकली, नियों में चिमते हुए उनकी जब फोटो लोगों ने देखी तो पूरी दुनिया को पता चला कि हमें इनके शुक्रगुजार होना चाहिए था। असली हमारा इतिहास ये था जिससे हमें 75 साल से वंचित रखा गया। मैं देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस भावना की कदर की और मंच से कहा कि अगर किसी का इतिहास बच्चों तक पहुँचना चाहिए वो बाबा जोरा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह। परेड के साथ चल चल के बहुत दूर तक आ गए थे, अब गाड़ी वहाँ स्टेडियम पे खड़ी है, अब ऑटो की है, स्टेडियम पे जा रहे हैं, पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो सारे रास्ते बंद है, उसके चक्कर में पूरा ये ट्रैफिक डिस्टर्ब हो चुका है। अब तो 5-10 मिनट लगेंगे गाड़ी में पहुँचने में, और सुबह से घर से चाय पी के निकले हुए, अभी तक ना मैम ने कुछ खाया ना पापा ने कुछ खाया है, देखते हैं आसपास खाने को मिलेगा तो आ जाएंगे। तो गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी थी, पापा को मैंने कहा वहीं बैठ जाओ गेट पे, मैं गाड़ी वहीं लेके आता हूँ, पापा वहाँ बैठे हैं, पापा को लेने जा रहा हूँ सीधा क्योंकि पापा के लिए चलना इतना ईजी नहीं है वहाँ तक। आज तो भाई साहब मतलब भारत सरकार ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी, जो चीज 75 साल में देश आजाद होने के बाद आज तक नहीं हो पाई वो आज हुई है कि सिख परेड जो इंडिया गेट में निकली है, मतलब कितने गर्व की बात है हमारे लिए। मैं तो कहूंगा प्राउड टू बी अ सिख भाई साहब, जो चीज हो गई ना ये कभी सपने में भी नहीं सोची थी, ना कभी हो पाई है ना कभी हो पाएगी, पर आज थैंक यू करेंगे मोदी जी का जिन्होंने ये चीज कर दी। तो बहुत बढ़िया चीज थी, आप भी बताना कमेंट करके कि बहुत अच्छा हुआ ये। तो देश मतलब धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, सब कुछ किया, जिस गुरु ने अपने बच्चे तक वार दी है, तो आज उनका दिन ऐसे ही मनाया जाना चाहिए था और देश को कम से कम पता लगना चाहिए देश के लोगों को कि ऐसा भी कुछ हुआ था। तो बहुत अच्छा लगा जाके, बहुत मजा आया, मतलब बहुत थक गया यार आज, बहुत ज्यादा थक गया। पर भाई साहब मैं बता रहा हूँ हिस्ट्री क्रिएट हो गई, ऐसा प्रोग्राम जिंदगी में आज तक देखा इंडिया गेट में, ऐसी कभी हमारी परेड निकलेगी हमने सोचा नहीं था कभी, बहुत मजा आ गया देख के, मैं क्या बताऊं आपको। क्या किया फिर आपने सारा दिन? उसे पॉट्स का खेलता था, अभी रूमबा गया था तो फिर उसको टच कर रहा था, फिर वो मन ही नहीं कर रहा था टच करने का। तो मैं तो आज सुबह बहुत जल्दी निकल गया था, है ना। चल मैं सोऊंगा, मेरे को तो आई है बहुत ज्यादा नींद क्योंकि मेरी रात को भी नींद पूरी नहीं हुई। रोटी भी क्या बना रहे हो? ये तो काजल साजल पड़े हुए हैं। मैं बना रही हूँ शोरमा। शोरमा? जो सूप होता है। शोरबा। कौन सा वाला सूप? वेजिटेबल। तो वेजी खाना है वो तो पता ही है। मैं तो सोने वाला हूँ, बहुत गहरी नींद आ रही है मेरे को। व्लॉग को मैं अभी शाम को आज 7 बजे मतलब 6:30 बजे एंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्या दिक्कत है? क्या रहा है? हेलो, क्या रहा है तुम्हारे को? चलो खेलो खेलो। हाँ तो बच्चे दो अभी टॉय देगी उनको, दे दे। सर्दी का टाइम और गर्मा गर्म शोरबा सूप, वाह बड़ा ध्यान रखते हो आप। वो पेंट बलूची में नहीं गया था? हाँ तो मैंने वही बनाया। सही है सही है, बहुत बढ़िया, पी के देखते हैं अब। तो आज हिस्टोरिकल परेड देख के बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। बस अब एडिटिंग करने लगा हूँ और सोऊंगा, थकावट बहुत ज्यादा हो रही है। सुबह 8 बजे का उठा हुआ हूँ और कल रात को भी लेट सोया था, और सारा दिन आज मतलब समझ लो सुबह 9 बजे से लेके मतलब 3-4 बजे तक मैं खड़ा ही रहा, 1 मिनट भी बैठा नहीं। तो हालत शरीर की बहुत ज़्यादा टाइट है, इस टाइम पर मतलब सोऊंगा, थका हुआ बहुत ज़्यादा, ताकि व्लॉग कल टाइम पे आ जाए। और आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, मैं कह सकता हूँ कि आपको अच्छा लगा क्योंकि नई चीज़ आपको देखने को मिली आज, जो अभी तक आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ में। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय, बोलो बाय। अगर आपको सन्नी भाजी की वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।